गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी उत्तरायण टू ऑल माय व्यूअर्स, ऑल माय सब्सक्राइबर्स। गाइस, सुबह के 11 बज चुके हैं और यहाँ पे उत्तरायण का त्यौहार शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि पतंग बहुत कम उड़ रहे हैं यार, इतने ज़्यादा नहीं यार। वैसे भी अभी धूप है तो इसी की वजह से शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि पतंग कम है। हर साल क्या होता है कि गाइस पवन है ना, बहुत ही कम रहता है, मतलब रहता ही नहीं है, लेकिन इस बार अच्छा है, पवन काफ़ी बढ़िया चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। उसी की वजह से पतंग चिकने चाहिए या उड़ने चाहिए, लेकिन कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहे। कोई बात नहीं, लेकिन हम थोड़ी बहुत तो उड़ाएंगे ही। और वैसे भी चले हाँ, लेकिन एक बात है यार, शाम का जो माहौल है ना वो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि शाम के दौरान क्या है, सनसेट होने की तैयारी होती है तो जो धूप है वो हट जाती है, तो उसी की वजह से शाम का जो माहौल है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। और मैं कल क्या क्या लेकर आया हूँ तो वो आपको दिखाऊंगा। ये रहा देखो, सब कुछ मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, पतंग, और यहाँ पे फिरकी भी है हमारी, डोरी मांझा। तो चलिए देखते हैं अभी क्या करें। और पिपोड़े बिपोड़े तो अभी कुछ लाए नहीं है बजाने के लिए, तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ पतंग। और थोड़ी बहुत पतंग नीचे भी मैंने रखी हुई है, अभी सभी पतंग कहाँ यहाँ लेकर आ जाएंगे यार। तो चलिए एक छोटा सा जुगाड़ है वो भी आपको दिखा दें। सो गाइस, ये रही हमारी पिछले साल की पतंग, ये अभी भी पिछले साल की पड़ी हुई है, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा पतंग नहीं ले, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी बढ़िया पतंग लेकर आया हूँ। और ये रहा हमारा एक छोटा सा जुगाड़, देख लिया आपने, अपना छोटा सा जुगाड़ करना पड़ता है। सभी लोग सुबह सुबह में रेडी होकर ऊपर नहीं आते हैं, क्योंकि घर का थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, तो अभी थोड़ा बहुत काम घर पर नीचे चल रहा है, तो खाना पाना जो वैसे तो आपको पता है कि कल सब कुछ बन चुका है, लेकिन आज भी थोड़ा बहुत जो बनाना होता है वो बन रहा है। तो मम्मी वालों के शायद अभी आएंगे, क्योंकि ऐसे भी अभी धूप है, तो मैंने बोला कि नहीं अभी आप रहने दो, आप नीचे ही रहो, शाम को, वैसे शाम को माहौल पूरा अलग ही होता है, तो शाम को ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए अभी तो फिलहाल हम देखते हैं क्या करें क्या ना करें, लेकिन एक दो पतंग तो उड़ाएंगे ही। चले सो गाइस, फाइनली अपनी पतंग भी हवा हो गई, उड़ चुकी है बढ़िया से। ये देखो गाइस, आपको पता नहीं दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी, लेकिन गाइस मज़ा आ रहा है यार, इस बार पवन काफ़ी बढ़िया है, वरना तो भाई हर साल तो पता नहीं, हम गुजराती में कहते हैं कि ठुमका मारी मारी ने थाकी जाओ, ये बराबर ने चालो आपकी पतंग मस्त हवा में से आवा थे। वो रही अपनी पतंग, अरे ओ भाई, वो रही गाइस अपनी पतंग, ये वाली ऑरेंज वाली। सो गाइस, पतंग उड़ाकर मैं आ चुका हूँ नीचे, क्योंकि पतंग के साथ साथ काम पे भी ध्यान देना पड़ता है, तो जो कल का डेटा था वो मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, बस अब रीडिंग थोड़ी बहुत बाकी है। आधी एडिटिंग तो ऑलरेडी मैंने कर ली है, आधी एडिटिंग अभी भी बाकी है, तो आधी एडिटिंग ख़त्म करके शायद आज ही वीडियो में ये अपलोड कर दूँगा, और आज का जो वीडियो है 14 जनवरी का वो शायद कल आ जाएगा। अब देखते हैं कि किस तरीके का क्या होता है, लेकिन आज ये वीडियो शायद मैं डाल ही दूँगा, क्योंकि अभी दोपहर के वक्त हो रहा है, दोपहर के वक्त पतंग उड़ाना इतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं, धूप भी ज़्यादा होगी, खाने का वक्त भी हो जाएगा, तो इसी की वजह से मैं नीचे आ गया जल्दी, तो मैंने सोचा कि यार एडिटिंग का काम ख़त्म कर देते हैं, तो बस एडिटिंग कम्प्लीट करते हैं, फिर देखते हैं कि शायद होगा तो अपलोड भी लगा ही देंगे। चलें काम ख़त्म कर लेते हैं। देखो गाइस, ये होती है यूट्यूबर लाइफ, फेस्टिवल है, त्यौहार है, उसके साथ साथ काम को भी देखना पड़ता है। चलिए गाइस, वीडियो का एडिटिंग कंप्लीट किया, वीडियो अपलोड कर दिया, रात को 9 बजे मिल जाएगा, दोपहर का खाना भी कंप्लीट हो गया, उंधी और पूरी, और दोबारा से मैं आ चुका हूँ टेरेस पे, और टेरेस पे मैं लेके आया हूँ अपनी गुड़ की चिक्की, ये रही देखो गाइस, बहुत ही बढ़िया खाएंगे अभी तो मस्त। कोई छोटा सा पानी का बॉटल भी मैं ले आया हूँ, और आज इस बार यार कुछ इतना मज़ा नहीं लग रहा है यार, पता नहीं क्यों, अब क्या होगा। इतनी ज़्यादा कुछ पतंग भी नहीं दिख रही है यार इधर, वरना तो यार मकर संक्रांति का त्यौहार तो कुछ मज़ा ही अलग अलग हो जाता है, लेकिन इस बार इतना कुछ नहीं है यार। आए आपके लिए भी, आप भी खा लेना, देखते हैं अब क्या होता है, चलिए देखते हैं।
सुबह की तरह, शाम को भी अपनी पतंग आसमान छू रही है, तो अगर आपको दिख रही हो तो शायद आपको नहीं दिख रही होगी, फिर भी आपको अगर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वरना आपको दिखाने में भाई साहब पतंग कट जाएगी अपनी। मज़ा आ रहा है गाइस, इस बार पवन अच्छा है यार, लेकिन पिछले साल तो हर साल तो भाई मतलब जैसे मैंने आपको सुबह बताया ना, ठुमका मारे मारे ना थक जाओ। अभी तो अपनी पतंग मस्त आसमान छू रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक भाई, ये है अपनी डोरी और पतंग मैं आपको दिखाऊं तो कहाँ पे है, ये वाली देखो, ये जो है ना गाइस, ये वाली अपनी पतंग है। तो गाइस अब हो चुकी है शाम, और यार शाम के वक्त अब लग रहा है कि यार आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, अभी मज़ा आ रहा है। और काफ़ी वक्त से करीबन आधे घंटे से भाई मैं एक ही पतंग उड़ा रहा हूँ, करीबन मैंने कई सारे पेच काटे हैं, 10-12 आज तो सो ही गए होंगे, लेकिन अभी मज़ा आ रहा है गाइस, धमाके जा रहे हैं, ऑसम माइंड ब्लोइंग, बहुत मज़ा आ रहा है। अब लग रहा है यार मकर संक्रांति का त्यौहार, मज़ा आ रहा है गजब। अपनी पतंग की बात करूँ तो अपनी पतंग इतनी दूर है कि शायद आपको कैमरे में दिखाई भी नहीं देगी, अगर दिखाई भी देगी तो छोटी सी दिखाई देगी, आसमान छू रही है अभी। बस इसी तरीके से अपना YouTube भी आसमान छूना चाहिए गाइस, फटाफट से लाइक करो, लाइक तो कर दिया, सब्सक्राइब भी कर लो।